गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईटीएस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बच्चों रेस्पिरेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन जो प्रोसेस है, वह फोर स्टेप यानी चार चरणों में, चार पदों में कंप्लीट होता है। जो पहला चरण था, फर्स्ट स्टेप था, आल्सो नोन इज ग्लाइकोलाइसिस। पहला जो चरण है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड जो इसका चरण है लिंक रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम ए, थर्ड जो स्टेप है क्रेब्स साइकिल, और चौथा जो स्टेप है वो है ईटीएस और ईटीसी, या इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के दौरान क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज कॉल्ड इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें ईटीएस में या ईटीसी में जब एटीपी का या ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर ऊर्जा के रूप में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का आखिरी पद है, आखिरी स्टेप है। बच्चों इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, जो रिड्यूसिंग पावर है वो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग पावर कहाँ कहाँ बनती है, सबसे पहले अपने बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर प्रोडक्शन ऑफ प्योर एटीपी की बात करें, शुद्ध रूप से शुद्ध उत्पादन जो एटीपी का है ग्लाइकोलाइसिस में, आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल शुद्ध रूप से जो एटीपी बनती है वो है 4 ATP, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एटीपी खर्च होती है, कंज्यूम होती है, वो है 2 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान शुद्ध रूप से जो निर्मित एटीपी है वो है 4 ATP, और जो एटीपी कंज्यूम होती है ग्लाइकोलाइसिस में वो है 2 ATP, ठीक है। तो टोटल जो प्योर जो प्रोडक्शन है एटीपी का वो कितना प्राप्त होता है, टोटल 2 ATP। तो शुद्ध रूप से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो है टोटल 2 ATP, टोटल 2 ATP, जो डायरेक्ट क्या है, कंज्यूम होती है एनर्जी के रूप में, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों यहां पर शुद्ध एटीपी के अलावा, शुद्ध एटीपी प्रोडक्शन के अलावा एक को रिड्यूस कोएंजाइम की भी फॉर्मेशन होती है, रिड्यूस कोएंजाइम की भी फॉर्मेशन होती है, रिड्यूस कोएंजाइम फॉर NADH2। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी प्रोडक्शन के अलावा कुछ कोएंजाइम की भी, रिड्यूस कोएंजाइम की भी फॉर्मेशन होती है, जैसे NADH2। NADH2 की संख्या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी होती है, 2, ठीक है। बच्चों प्रीवियस क्लास में या फंडामेंटल क्लास में भी आपको बताया गया है कि 1 mole ऑफ NADH2 इक्वल टू 3 ATP, 1 mole FADH2 इक्वल टू 2 ATP, यानी NADH2 का जो 1 mole है उसके अंदर 3 ATP के मोल रहते हैं। इसी प्रकार एक FADH2 के अंदर 2 ATP होती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं वो बनते हैं टोटल 2 NADH2। तो इसमें जो ATP है 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP, तो यहाँ पर NADH2 के 2 mole बनते हैं, इसलिए इसमें जो ATP की संख्या है वो कितनी है, 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर
टोटल एटीपी की संख्या कितनी है? तो टोटल एटीपी की संख्या कितनी है, शुद्ध रूप से 2 एटीपी प्राप्त होते हैं और रिड्यूस कोएंजाइम के रूप में 6 एटीपी प्राप्त होते हैं। तो टोटल यहां कितने हैं, 6 + 2, टोटल यहां कितने हैं, 8 एटीपी। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान हमें टोटल जो एटीपी है वो 8 एटीपी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं लिंक रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। अब इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ जोड़ने का काम करती हैं। इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होती है। एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस दोनों को आपस में जोड़ने का काम होता है। और एसिटिल कोएंजाइम ए का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है उनके बीच जो स्पेस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसमें एसिटिल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन होती है जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। बच्चों जब पाइरुविक एसिड से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो पाइरुविक एसिड, और पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। जब पाइरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर रिड्यूस कोएंजाइम की फॉर्मेशन होती है, रिड्यूसिंग पावर की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 NADH2 की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसमें जो एटीपी की संख्या है वो कितनी है, 6 ATP। ठीक है, क्यों मैं अभी बता देता हूं आपको। थर्ड जो है क्रेब्स साइकिल, अब क्या है, जो एसिटिल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर एंट्री कर जाता है और क्रेब्स साइकिल चलता है। बच्चों क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होता है, एक चक्कर जब कंप्लीट होता है, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान टोटल जो शुद्ध रूप से एटीपी का प्रोडक्शन है वो है 2 ATP, जिसको अपने GTP भी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन जो रिड्यूसिंग पावर बनती है क्रेब्स चक्र के दौरान, जो रिड्यूसिंग पावर बनती है वो 6 NADH2 और इसके साथ 2 FADH2, ये दो इसमें रिड्यूसिंग पावर बनती है। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है 1 NADH2 = 3 ATP, अब ये जो FADH2 है 1 FADH2 = 2 ATP। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 NADH अणुओं की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें कुल जो ATP है वो कितनी है, 6 × 18, टोटल कितनी है, 18 ATP। अब बात करते हैं FADH2, क्रेब्स साइकिल के दौरान टोटल जो FADH2 हैं वो 2 बनते हैं। ठीक है, 1 FADH2 = 2 ATP, तो यहाँ पर 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 × 2 टोटल 4 ATP। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान टोटल जो ATP का प्रोडक्शन है वो है 24, कितना है, 24। वास्तव में जो क्रेब्स साइकिल की स्टार्टिंग है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसके दौरान टोटल 24 यानी 24 ATP अपने को प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो पाइरुविक एसिड है, ग्लाइकोलाइसिस से जो पाइरुविक एसिड बनता है 2 मोल पाइरुविक एसिड के बनते हैं, और दोनों ही मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स चक्र को 2 बार चलना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना है, 8 ATP। लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम के दौरान टोटल जो एटीपी है वो कितनी है, 6 ATP। क्रेब्स साइकिल के दौरान टोटल जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो है 24 ATP। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर ग्लूकोज का 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का 1 मोल ऑक्सीडाइज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, तो टोटल जो ऊर्जा का उत्पादन है वो कितना है, 8 + 6 + 24, टोटल कितना है, 38 ATP। ये आपका आंसर है। और छोटे मोटे जो कंपटीशन है उसमें अक्सर बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन के दौरान 1 मोल ऑफ ग्लूकोज
ग्लूकोज के एक मोल का ऑक्सीकरण होता है तो यहां पर कितने मोल एटीपी प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर है 38। बच्चों अब यहां पर ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का काम क्या है, ठीक है, क्योंकि जब ये तीनों स्टेप चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, तो इसमें शुद्ध रूप से तो एटीपी जो प्रोडक्शन होता है उसका यूज कर लिया जाता है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर के रूप में जो एटीपी बनते हैं बच्चों उनको डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। रिड्यूसिंग पावर का सबसे पहले ऑक्सीकरण करना होता है, इनको सबसे पहले ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, और इनके ऑक्सीकरण के लिए जो रिड्यूसिंग पावर है NADH2 FADH2, इनको कहाँ से गुजरना पड़ता है, इनको ETS साइकिल से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडेशन होता है और जिसके दौरान अपने को जो ऊर्जा का शुद्ध रूप है ATP उसके रूप में ऊर्जा प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ETS या ETC के दो उद्देश्य क्या है, रिड्यूस, पहला जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो है रिड्यूस कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइज करना। रिड्यूस कोएंजाइम जो बनते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। वे ऑक्सीडाइज होंगे जैसे रिड्यूस कोएंजाइम बनते हैं NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान भी बनते हैं, लिंक रिएक्शन के दौरान भी होते हैं। जब तक इनको ऑक्सीडाइज ना किया जाएगा इनके अंदर जो एटीपी है वो अपने को प्राप्त नहीं होगी। तो इनके अंदर जो एटीपी को प्राप्त करने के लिए इनका ऑक्सीडाइज करना जरूरी है, और इनका जो ऑक्सीडाइज कहाँ होता है, ETS साइकिल के दौरान होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, अनलोड हो जाते हैं। बच्चों ये जो NAD+ है, जब NADH2 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तो NAD+ 2H में ये टूट जाता है, यानी ये जो कोएंजाइम रिड्यूस कोएंजाइम है दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त होगा, दोबारा क्रेब्स साइकिल में प्राप्त होगा, दोबारा लिंक रिएक्शन में प्राप्त होगा, इसलिए इसको अनलोड करना जरूरी है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को बनाना, ठीक है। अब यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का प्रोडक्शन होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो बच्चों ये दो उद्देश्य हैं जिनमें जो रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूस कोएंजाइम है, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि शुद्ध रूप से एटीपी प्राप्त हो सके और उसको कंज्यूम किया जा सके, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ETS साइकिल को चलना पड़ता है, और नेक्स्ट लेक्चर में अपने ETS साइकिल को पढ़ेंगे।